suffering in my body. But then I'm going to go, I know this Lord is his own. I came home with every soul. Or, God is something like Khawateen. एक लंबे वक्फे के बाद मुझे आपके दरमियान हाजिरी का ये मौका मिल रहा है और जब भी मैं इस बस्ती में आता हूं तो मैं सोचता हूं और कई मतलब कह भी चुका हूं कि इस बस्ती का नाम दारुल अंसार है कटोरी ताज्जुब होता है कि आपको अंसार से मोहब्बत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अलामत है इस्लाम हुब्बुल अंसार, या अमारत ईमान हुब्बुल अंसार, अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत है। और मैं आपके लिए इस वस्त्र का इस्तेमाल करता हूं, बड़े इसरार से मैंने कहा कि सड़क पर मोड़ पर बोर्ड लगाई दारुल अंसार, ताकि मदीने मुनव्वरा के उन सहाबा से निस्बत हासिल हो जिनको अंसार कहा करते, और जब अंसार से निस्बत होगी तो लाजिमन मुहाजिरीन से निस्बत हो जाएगी, मुहाजिरीन की मदद की वजह से उनको अंसार करा दिया। तो 35 साल पहले की तारीख मेरे निगाहों के सामने आ जाती, जब हमारे मदरसे के मुदरसीन और तलबा ने लखनऊ से एक हिजरत की इस बस्ती में जो कटोरी कहना थी और सड़क पर जो एक मदरसा है वहां आकर मुहाजिरीन बस गए, जो मदरसा हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया गया था, पहले को लखनऊ में काम किया गया, हालात ऐसे हुए कि उस मदरसे को यहाँ मुंतकिल किया गया, और जब मुंतकिल किया गया उस वक्त हमारे पास उस मैदान में कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए सड़क पर जो पुराना मदरसा है वहां पर जब वो मदरसा मुंतकिल हुआ तो सूरत हाल ये थी कि न खाने का इंतजाम न बोलने का इंतजाम, तलवा के लिए पलंग और बिस्तर वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था, क्योंकि मुहाजरत में तो ऐसे ही होता है। और उस वक्त मैं यहां हाजिर हुआ और इसी मस्जिद में जो छुपी थी मेरी एक गुफ्तगू असर की नमाज के बाद या जोर की नमाज के बाद, और उसमें हुआ है और जरूरत है कि आप उसका काबू करें। तो यहां के लोगों ने उस मदरसे का भरपूर काम किया, खाने का मसला हो, ओढ़ने का मसला हो, बिछाने का मसला हो, बाकी उस वक्त जो भी हालात यहाँ थे बल्कि पूरा गांव कहिए थे वो मुहाजिरीन के लिए बिछ गए और उन्होंने उनकी नुसरत की, और नुसरत से जिस बात की इब्तिदा हुई उसका ही नतीजा है कि माशाअल्लाह अब थोड़े से फासले पर एक जामिया मौजूद है, और उस जामिया और जामिया से मुताल्लिक इस बस्ती का नाम अल्लाह के फजल से अब मशरिक में और मगरिब में और शमाल में जुनूब में रोशन है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कश्मीर से कोचीन तक और मुंबई से बंगाल तक सब इस जगह को जानते हैं, और सिर्फ यही नहीं अरबी यूरोप में कनाडा और अमेरिका और जापान में अल्हम्दुलिल्लाह लोग जामिया से अहमद शरीफ को जानते हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। तो इस वजह से यहाँ के माजरी और अंसार का नाम अल्लाह ने रोशन किया, और ये वाकया है कि जब 35 साल पहले मैं यहाँ आया था तो बमुश्किल कोई एक मकान ऐसा होगा जो पक्की ईंटों से बना,
मिट्टी की दीवारें थी। तन्नी वन्नी और किस तरह की छतें थी, जो मंजर था वो आखिरी दर्जे की पसमानदगी का मंजर था। और उस आखिरी दर्जे की पसमानदगी की हालत में यहाँ के लोगों ने बहुत ही जज्बे और जोश से नुसरत की, और जब नुसरत होती है तो अल्लाह की तरफ से तायीद मिलती है, नुसरत मिलती है। आज ये गांव माशाल्लाह शहरों का मुकाबला कर रहा है। आज अल्लाह ने लोगों को यहाँ अच्छे मकानात पता फरमा दिए। आज उनका जो माशी स्टेटस है वो अच्छा हो गया। तो जाहिर है कि कोई ये समझता होगा कि फला टेक्निक से हो गया हो, फला मुलाजमत से हो गया और सऊदीया जाने से हो गया, बिल्कुल ये सिर्फ दीन की और दीनी तालीम की नुसरत की वजह से हुआ है। ये निजाम ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता है। अल्लाह से जब ताल्लुक होता है तो अस्बाब अल्लाह पैदा करता है, अस्बाब को रूह देता है, अस्बाब के जरिए से तायीद फरमाता है। आज जो सब बूढ़े थे वो कब्रों में, जो जवान थे वो बूढ़े, जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी अच्छे खासे जवान हो गए, क्योंकि 35 साल का अरसा ऐसा होता है कि वो आधी उम्र गुजर गई। इसलिए जाहिर है कि कुछ हजरात ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनको उम्र अता फरमाई और अभी वो हयात है और अल्लाह ने उनको उम्र अता फरमा रखी है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हजरात हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके। तो इस एतबार से ये जो बस्ती है और इस बस्ती की ये मस्जिद है, इसकी एक खास जगह मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, और मेरा जी चाहता है कि इसको दारुल अंसार कहिए, इसी का जिक्र दारुल अंसार, दारुल अंसार, क्योंकि कटौती का लफ्ज भी कुछ अच्छा नहीं, ये काटना छाटना बांटना ठीक नहीं। इसलिए आप दारुल अंसार के लिए हर घर पर दारुल अंसार लगा दीजिए, रोड पे लगाइए, और ये बात यादगार हो, ये तारीखी एक अमल होगा, और यहां से आपकी निस्बत मदनी निस्बत हो जाए। आका इनामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इस्तेमाल किया था कबीले औस के लोगों ने, कबीले हजरत के लोगों ने, छोटे बड़े कबीले के लोगों ने इस्तकबाल किया था, जिसके नतीजे मदीने मुनव्वरा में बाहर आ गई थी। वहां से काश्तकार थे, खेती करने वाले मजदूर थे वहां, और खेती करने वाले मजदूर और उधर ऊंट और बकरियां चराने वाले चरवाहे, इनको मदीने मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत में सरा से सुरैया पर पहुंचा, जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, और फिर इसी मदीने मुनव्वरा की बस्ती से और मस्जिद नबवी के मदरसे में पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने इराक अता फरमाया, शाम अता फरमाया, यमन अता फरमाया, मिस्र अता फरमाया, और धीरे धीरे स्पेन तक जितने भी ममालिक शिमाली अफ्रीका में सब अता फरमाए, ईरान अता फरमाया, अफगानिस्तान अता फरमाया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ तक कि चाइना का जो मशरिकी इलाका, वो सब उनको अता किया गया जो काश्तकार थे, जो चरवाहे थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का ऐसा कमाल था, ऐसा जीता जागता मोजिजा था, जिसने इंसानों को कहां से कहां पहुंचा, जो इंसान खाक में नहीं देख सकता था कि इराक और शाम और यमन के महल उसको हासिल हो, उसको वो न सिर्फ हासिल हो बल्कि उसकी पूरे पूरे इलाके और शहर की बागडोर उसके हवाले कर दी गई। अब सूरत हाल ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जदीदत अरब को तो अपनी जिंदगी में फतेह कर लिया था, और अभी आपका आखिरी वक्त था और आप बीमार थे कि किसी ने ये आकर बताया कि हुजूर पर्शियन एम्पायर के एम्पायर किसरा का खात्मा हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
لك بسرى فلا بسرى بعد ولا يهدفن قيصر فلا قيصر राजा किसरा हला अब ईरान में कोई किसरा नहीं होगा और आयोजन रोमन एम्पायर का एम्पायर कैसर भी खत्म हो जाए फिर कोई कैसर नहीं हो क्या मदीने मुनव्वरा में आपने बात विचार फरमाई और 1450 साल गुजर चुके हैं ईरान में कोई किसरा नहीं हुआ और रोम में कोई कैसर नहीं जो बात हुजूर ने फरमाई दुनिया ने देख ली तो बड़ी सल्तनतें थी जिनकी ऐसी हालत थी जैसे आज से तकरीबन 30 साल पहले सोवियत यूनियन की और रिपब्लिक ऑफ अमेरिका की हालत यूएसएसआर इनकी जो हालत थी कि पूरी दुनिया पर ये काबिज थे आधी दुनिया सोवियत यूनियन के हाथ में थी और आधी दुनिया अमेरिकन स्टेट्स के हाथ में थी ये 90 की दहाई से पहले पहले ये सूरत हाल तो उस वक्त अगर कोई ये कहता कि न सोवियत यूनियन रहेगी न अमेरिकन रिपब्लिक रहेगी तो लोग घूर घूर के देखते कि कैसे दावे बता रहा है ये मजनून है इसको क्या हो गया क्या कह रहा है लेकिन अल्लाह ने आज के दौर में भी दिखाया कि जब मुसलमानों ने फैसला किया कि हिजरत और नुसरत के निजाम को लेकर चलना तो एक तरफ वो मुहाजरीन थे जो अफगानिस्तान की सरजमीन में पहुंचे और एक तरफ वो अंसार थे जिन्होंने उनकी मदद की और दोनों ने मिलकर सोवियत यूनियन के पक्ष सोवियत यूनियन का 90 का खात्मा और अब अल्लाह के फजल से उस वक्त से मैं तकरीरें कर रहा हूं और ये मुसलसल कह रहा हूं अगला नंबर अमरीका का है उसका खात्मा होना है और अल्लाह के फजल से आज हम ये देख रहे हैं कि अमरीका में आग लगी हुई खाना जंगली छिड़ी हुई काला गोरे को मारना चाहता है गोरा काले को मारना चाहता है रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को हजम करना चाहती है डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को हजम करना चाहती है ट्रंप और जो बाइडन की कशमकश है लोग सबको मने और मजनूनों की तरह जो पार्लियामेंट है उसकी दीवार पर चढ़ रहे हैं अंदर घुस रहे हैं चीजें लूट रहे हैं गुंडों अवाशों डकैतों चोरों की जो हालत होती है आज अमेरिका की हालत तो अमेरिका अपने जवाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और मजनूना ना बढ़ रहा आज नहीं तो कल अमेरिका का जवाल हो जाए और जाहिर है कि ये दो शैतानी ताकतें दुनिया से जब खत्म होंगी तब इस्लामी मुल्क आजाद होंगे जब तक ये रहेंगे इबलीसी कब्जा रहेगा और हम सब जानते हैं कि जिसको सऊदी हुकूमत कहते हैं वो दरहकीकत एक यहूदी हुकूमत वो अमरीका के तलवों पर चाटने वाली और इसराइल की जूतियों में रहने वाली एक मुजरिम हुकूमत उसी के साथ साथ UAE इमारात कहते हैं दुबई से अबू धाबी तक ये छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं जो अंग्रेजों ने बनाकर इन रजवाड़ों को दे रखी हैं ये आज इनका हाल यह है कि ये इसराइलियों को बुला रहे हैं और हजारों की तादाद में इसराइली यहूदी सहयोगी इस वक्त दलदला रहे हैं दुबई में अबू धाबी में और जितनी भी वहां पर इमारात उनमें इस वक्त न सिर्फ ये कि वो ठाट बाट से रह रहे होटलों में रह रहे होटलों का सामान चोरी कर रहे हैं और साथ ही साथ फौजी अड्डा कायम कर रहे हैं ये सूरत हाल अरब मुल्कों की है अरब हाकिमों की है जो खबीस और मुजरिम और बदकिस्मत है जिन्होंने अलम इस्लाम को मुसलमानों को उम्मत को जलील किया और रुसवा किया उनके खिलाफ भी मैं 8-9 साल से सदा लगा रहा हूं और ये कह रहा हूं कि उनका सवाल तय है अल्लाह के निजाम में तय है उन मुजरिमों का के जो मुसलमानों को सबा करते हैं उलमा को जेलों में डालते हैं दीनी जमातों को टेररिस्ट कहते हैं ये मुजरिम रास्ते से हटाए जाएंगे लेकिन चूंकि कभी सोवियत यूनियन और कभी अमेरिकन रिपब्लिक की इंग्लिशी ताकतें इनकी मददगार रही तो वो वक्त आ रहा तकरीबन आ गया कि अब उनकी रुखसती भी होगी उनकी तबाही बचेगी तो ये तबाह होगी क्योंकि उन्हीं के सहारे जीते रहे और आज
फरमाना चाहते हैं, ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने कतर जैसे छोटे से मुल्क को नंगा बुच्चा बनाने की कोशिश की और इनकी वो कोशिश नाकाम हुई और जलील हुए और यहाँ तक कि उन्होंने मुसालहत की बातें शुरू की। इसलिए याद रखिए, इन तमाम हकीकतों को एक छोटी सी बस्ती में यह बात इसलिए कर रहा हूं कि मदीना मुनव्वरा की छोटी सी बस्ती थी और जब अपने तहफ्फुज़ के लिए आका इनामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ से लेकर सना की पहाड़ी तक खंदक खोद रहे, 3000 सहाबा खंदक खोद रहे, बुजुर्ग खुद भी उसमें लगे हुए, एक ऐसी चट्टान आ गई कि कितनी कुदारें चलाई, कितने फावड़े चलाए, फावड़े टूट रहे, कुदारें टूट रही, चट्टान नहीं टूट रही। लोग बुजुर्ग के पास आए, बुजुर्ग एक ऐसी चट्टान है कि अगर वो नहीं तोड़ी गई तो दुश्मन वहां से हमारे तक पहुंच जाएगा, घुसा है। और चलो अब हुजूर के हाथ में खुदा, आपने उस चट्टान के करीब पहुंचकर एक जर्ब लगाई, वो जो जर्ब लगाई तो चिंगारी निकली, क्योंकि सख्त पत्थर कालीगंज संग मरमर था जो फूट कर नहीं था, तो आपने जब लोहे की जर्ब लगाई तो चिंगारियां निकली, तो फरमाया कि रात के महलात मेरे सामने रोशन हो गए। फिर दूसरी जर्ब लगाई, चिंगारियां निकली, फरमाया शाम के महलात मेरे सामने रोशन हो गए। फिर तीसरी जर्ब लगाई, फरमाया यमन के महलात मेरे सामने रोशन हो गए। बस ये बताना था कि पेट पर पत्थर लगा हुआ है, 2 दिन का 3 दिन का फाका और सहाबा को भी फाके की नौबत आ रही है, खंदक अपनी हिफाजत के लिए खोदी जा रही है और नबी कह रहे हैं कि रात फतेह होगा, शाम फतेह होगा, यमन फतेह होगा, उसके महलात तुम्हें मिलेंगे, इस हालत में यह फरमा है। उसके बाद अब मौजूदे का जरूर हो, अब जो जर्ब लगाई तो वो पत्थर ऐसा टूटा जैसे रेत का कोई टीला हो, उस पर जर्ब लगाई जाए तो रेत बिखर। ये छोटी सी बस्ती जो काश्तकारों की थी उसमें हो रहा, यानी वहां ये बोल बोले जा रहे, मैं भी इस छोटी सी बस्ती में दारुल अंसार में ये कह रहा हूं कि अगर हिम्मत बुलंद करेंगे और दीनी तालीम को दांतों तले दबा लेंगे और वक्त की साजिशों को समझेंगे और यहाँ की हुकूमत या दुनिया की हुकूमत इस्लामी तशख्स मिटाना चाहे और तालीमी पॉलिसियां बनाकर आपको दीनी तालीम से हटाना चाहे, आप तय करेंगे उसी तरह जैसे तय किया था अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने और साथ में अबी वक्कास ने और अबू उबैदा इब्न जर्राह ने और खालिद इब्न वलीद ने, जिस तरह उन अल्लाह के बंदों ने तय किया था कि हम अल्लाह के हुक्म से मुल्क फतेह करेंगे, ऐसे जब आप तय करेंगे तो अल्लाह छोटी सी बस्ती से उठाकर आपको दुनिया के मुल्कों में ले जाएगा और बड़े से बड़े काम लेगा, क्योंकि अल्लाह ने जो दाने को दरख्त बनाता है वो अल्लाह ने जो गुठली के अंदर पौधा और शाखे और तने पैदा करता है वो अल्लाह ने जो इंसान के जुसूमे को इंसान बनाता है उस अल्लाह पर जब यकीन होगा तो फिर अल्लाह ताला छोटे को बड़ा बना देगा, गरीब को अमीर बना देगा, महकूम को हाकिम बना देगा और एक आम इंसान को फौजी ही नहीं जनरल बनाएगा, कर्नल बनाएगा, चीफ कमांडर बनाएगा। इसलिए इसको अपने दिल में रखना चाहिए और ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, वो है दीनी तालीम के लिए, खासतौर पर गैर मुस्लिमों से भी मिल रहे हैं इस्लामी दावत के अमूमन से, कि ये दो हमारे मिशन है, दो हमारे काम है कि हम पूरी इंसानियत को दावत दें, इसमें छेपना, लज लगाना, पीछे हटना, डरना, खौफ करना मुनाफिकों की अलामत, ये दीन अल्लाह का पूरी इंसानियत के लिए है, जिन लोगों के लिए है, जब्बे जब्बे पर फर्द फर्द तक मर्द औरत तक इस दीन को पहुंचना है। नबी से फरमाया गया, कहिए बोलिया अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए नबी आप कह दीजिए तमाम इंसानों से मैं अल्लाह की तरफ से तुम सबके लिए भेजा गया। तो ये सदा लगानी, यहां जितने लोग बैठे हैं वो तय कर रहे हैं कि आपको दावत इस्लाम का काम हर जगह करना, दूसरा काम है इस्लाम की तालीम का, क्योंकि इस्लाम नाम है,
कुछ अकायद, कुछ इबादात, कुछ मुआशरत, कुछ अखलाक, कुछ तालीम, कुछ इंतजाम, इन सब चीजों के मजमू का नाम इस्लाम। और इस इस्लाम को सीखना हर फर्द के लिए जरूरी, कोई मुस्तस्ना नहीं, मजदूर हो, मिस्त्री हो, कुली हो, हम्माल हो, खयाम, कुछ भी हो, इस्लाम सीखना। और इस्लाम सीखने के लिए जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा था, वहां बूढ़े भी पढ़ते थे, जवान भी, बच्चे भी पढ़ते थे, और खवातीन भी मुस्तफीद होती थी। जरूरत है कि हम उस सूरत हाल को फिर कायम करें। मैं दावत देता हूं हर बस्ती वालों को कि जो बूढ़े हैं वो भी आए, हम एक महीने का कोर्स कराए, छह महीने का कराए, एक साल का कराए, उनको जरूरी इल्म दीन दिया जाए। और तालीम में बालिगान आप कहीं हुकूमत के पास भी एल्डर्स एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट, लेकिन हम लोगों के यहाँ नबी ने फरमाया कि कोई भी महरूम रहे 70-80 साल का बूढ़ा हो उसको भी कुरान सिखाना है, हदीस बतानी है, अहकाम समझाने हैं और दीन की जरूरियात से आगाह कराना है। जितने जवान हैं और बच्चे हैं कोई भी दीनी तालीम से मुस्तस्ना नहीं है। और मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, जो इल्म लाया मैं उसका हासिल करना हर मुसलमान पर, मर्दोजन पर, बड़े छोटे पर फर्ज है। इसलिए इस फरीजे में कोताही नहीं होनी चाहिए। आपके करीब में इदारा मौजूद है, मैं दरख्वास्त करूंगा बूढ़ों से भी, जवानों से भी, बच्चों से भी, जो बाकायदा दाखिला लेकर पढ़े फबिहा, और जो बाकायदा आम तलबा की तरह दाखिला नहीं ले सके रोजाना एक घंटा दे दे, आधा घंटा दे दे, 3 घंटे दे दे, सुबह दे, शाम को दे, हर वक्त गोया मदरसा खुला रहेगा। और जो भी आएगा सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने बताया कि वो लदी माफ़ फिर हो मिजी न रसूल फिर हो यत्लू अलैहिम आयाती, सबसे पहली बात जो नबी को सौंपी गई वो ये कि कुरान पढ़ना सीखा, ये पहला काम। इसलिए हर बूढ़े को, हर बूढ़ी को, हर जवान को, मर्द हो या औरत, हर जवान को और हर बच्चे को कुरान सिखाना है पहले। कुरान 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 जबानों पर जारी हो जाए, दिल में दाखिल हो जाए और कुरान का नूर हमारे रेगुलेशन में सराहत करने लगे। कुरान फिर वजूजक की पाकीज़गी, पाकदामनी, तहारत, नजाफत, सफाई, चेहरा, अच्छा किरदार, अच्छी सीरत और अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए मामला, ये है तस्किया करना है, इसकी फिक्र करना है। लिहाजा जो भी आएंगे उनको सीरत की बात सुनाई बताई जाएगी, हदीसें पढ़कर बताई जाएगी, अल्लाह से रिश्ता जोड़ा जाएगा, नबी से रिश्ता कायम किया जाएगा, दिल को पाक करने की कोशिश की जाएगी, ज़हन को साफ करने का अमल किया जाएगा। ये यूज़र की फिर वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत, अल्लाह की किताब का इल्म देना है नंबर 3, और बुजुर्ग की हदीस का इल्म देना ये नंबर 4। इसलिए ये वो मज़ामीन है जो सबको हस्ब कुदरत तालीम बालिगान के लिए। आप आइए मदरसे को रुजू कीजिए, मदरसे के आखिर में आदमी बैठा बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो जितना वक्त लेकर आए उतने वक्त में उसको जरूरी हद तक इल्म दिया जाए। ये नहीं कि दर्जे में दाखिल होगा बाकायदा कोर्स करेगा, इसका निजाम हुजूर के यहाँ नहीं था, 24 घंटे हॉस्पिटल की तरह खुला हुआ था हुजूर का मदरसा, जो जब आए और आकर बैठे पढ़े मुतालआ करे, तिलावत करे, जिक्र करे, अल्लाह से ताल्लुक कायम करे, और जो जरूरी मालूमात हैं अखबार की मालूमात हैं, इबादात की हैं, माशरत की हैं, उनका सिलसिला इंशाअल्लाह चलाया जाएगा, ताकि जिसके को फर्ज ऐन कहते हैं, जो कंपल्सरी एजुकेशन है इस्लाम में हर शख्स पर फर्ज है, उसका निजाम आम हो जाए और कोई शख्स भी इल्म दीन से महरूम न रहने पाए। और माशाल्लाह आपकी मस्जिद है, यहाँ पर भी तालीमी निजाम शुरू कर दीजिए और दरसों कुरान का, दरसों हदीस का, इसी तरह सीरत का भी मुख्तसर सा दर्स मुख्तलिफ औकात में ऐसा निजाम बनाया जाए कि हर शख्स तक इल्म दीन पहुंचे, हर शख्स तक कुरान पाक की आयात का तर्जुमा पहुंचे, हर शख्स
शख्स तक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीसों और अपनी सीरत के असबाब पहुंचे, और साथ ही साथ ये कोशिश हो कि हम अपने गांव को इंशाअल्लाह मिसले मदीने मुनव्वरा बनाएंगे। क्योंकि हुजूर की हर सुन्नत इसलिए है कि उसका इत्तेबा किया जाए, तो जिस तरह हुजूर की इंफिरादी सुन्नत इसलिए है और समाजी सुन्नत इसलिए है, इसी तरह हुजूर की तमद्दुनी सुन्नत गांव कायम करने की जो सुन्नत है वो भी इसीलिए कि उस पर अमल किया जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मदीने मुनव्वरा को एक मॉडर्न सिटी बनाया, एक आइडियल सिटी बनाया, एक नमूने का इस्लामी शहर बनाया। अब जरूरत है कि हम उसकी इख्तिदा करें, आज के मदीने के नहीं हुजूर के जमाने के मदीने मुनव्वरा की इख्तिदा करें, और वो किताबों में मौजूद है। हमारे गाँव का माहौल ऐसा हो तो कोई चाहिए ना हो, कोई गाली न बकता हो, कोई आपस में तफरीका न करता, आपस में लड़ाई न करता, किसी से हसद न करे, और गुनाह हो तो तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। माहौल इख्वान का, भाइयों का माहौल, एक दूसरे के जैसे भाई होते हैं, एक खानदान, एक गाँव, एक खानदान हो गया। हुजूर ने तो पूरी इंसानियत को मिसल एक फर्द के आजा में करार दिया है, तो जाहिर है हमें उस तरह की जिंदगी कायम करना है। आपस में हमारे ताल्लुकात, बड़ों की इज्जत, छोटों की शफकत, औरतों की इज्जत और इज्जत का पूरा लिहाज, इसी तरह जो मामला हो सुन्नत के मुताबिक शादी, सुन्नत के मुताबिक खुदा का खास्ता गमी का वाक़ हो तो गमी, सुन्नत के मुताबिक तालीम तरबियत अखलाक, इसकी कोशिश की जाए। और इस तरह इंशाअल्लाह दारुल अंसार इसमें बाब मुसम्मा बन जाएगा, सिर्फ नाम नहीं होगा बल्कि उस नाम के जो मायने हैं वो भी वजूद में आएंगे। अल्लाह ताला अपना फज़ल फरमाए और इस बस्ती को समझने वालों को भी सभी और वो दुआ नहीं रहेंगे।